तो अगर हम चरसी तो नहीं है लेकिन चरसी चिकन कढ़ाई ज़रूर खाएंगे। ये जो चरसी कढ़ाई है ना यहाँ की स्पेशल, ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आपको 3 जगहों से मिलेंगी। इसकी खुशबू भी आ रही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त खुशबू है जी। लोहा लोहे को काटता है ये ना, भूख भूख को काट दो, भूख आपके मर जाए। आप हमारे बुजुर्ग हैं, बिस्मिल्लाह करें। यार आपको तो मज़ा आ रहा है लेकिन हमें इस तरह से मज़ा नहीं आया, आप जरा खान लाला की तरह हमें बताएं, जल्दी करें। यार मतीन भी क्या बोले आपको यार। जी खान लाला साहब, कैमरे की जान छोड़ें और आप भी हमारे साथ आके शामिल हो। अगर आप ये डिश मंगवाएंगे जो हम खा रहे हैं तो आप यकीनन तारीफ करेंगे। खाने के साथ साथ जो दोस्त यार होते हैं, इस गैदरिंग का एक अपना अलग मज़ा है। खुदा की घड़ियाँ हो गई हैं ख़त्म, चाय हमारे सामने है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं जी बिस्सा वाटरफॉल से वापसी पे, शहजाद भाई और जानदेव खान की खसूसी दावत पे नूरानी रेस्टोरेंट में। सुना है शहजाद भाई की ज़ुबानी कि यहाँ की जो चरसी कढ़ाई है, चरसी चिकन कढ़ाई, वो बहुत मशहूर है। तो अगरचे हम चरसी तो नहीं है लेकिन चरसी चिकन कढ़ाई ज़रूर खाएँगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं कि जो तारीफ़ें सुनी हैं क्या वो वाकई सच है। अच्छा मैं मकीन भी आपको एक बात और ही बताता चलूँ, ये जो चरसी कढ़ाई है ना यहाँ की स्पेशल, ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आपको 3 जगहों से मिलेंगी, इसके अलावा कहीं से भी आपको नहीं मिलेगी। वाह ज़बरदस्त, ये तो बहुत बड़ी बात है जी। तो चेक करते हैं और इसके बनने का जो प्रोसेस है वो भी हम आपको दरमियान में दिखाएंगे इंशाल्लाह जी। तो चिकन कढ़ाई का आर्डर हम दे चुके हैं और चरसी चिकन कढ़ाई तैयार हो रही है, बस इंशाल्लाह जल्दी आती है और फिर आपको ज़रा अपने साथ शामिल करेंगे। कितने मिनट के लिए? ये सिर्फ ओनली 5 मिनट। जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। इसमें टमाटर ऐड कर रहा हूँ तकरीबन आधा के जी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और लहसुन इस्तेमाल कर रहा हूँ, साथ में क्रीम यूज़ कर रहा हूँ। मसाले ऐड करते हुए जब हमने उनसे उनके नाम पूछे तो उन्होंने बताया कि ये तो एक ख़ास सीक्रेट है और ये नहीं बताया जा सकता। पानी ख़त्म हो गया, वो भी वहाँ से टूट जाता है, ये देखिए ठीक हो गया जी। अब इसमें ये डबर मुसन्ना डालेंगे, इसको प्याज और टमाटर है। सर ये सिर्फ लहसुन है और टमाटर है और थोड़ी सी क्रीम ऐड की है। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू है जी। स्पेशल चरसी कढ़ाई तैयार हो गई है जी। वाह जिंदाबाद। चेक कर ले, इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए बंद कर रहा हूँ, इसका जो धनिया दमा लग गया इसको। मतीन भाई ऑर्डर तो हम दे चुके हैं तो टाइम तो थोड़ा लगेगा, आपको भूख नहीं लगी? नहीं यार अभी तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी, वैसे मैं कह रहा हूँ जितनी भूख लगी हो इतना ही आपका नुकसान ज़्यादा होगा तो वो बेहतर है। एक एग्जाम्पल है और मावरा आप कह सकते हैं, लोहा लोहे को काटता है, ये ना भूख भूख को काट दो, भूख ही आपके मर जाए। इंशाल्लाह मौलवी हूँ मैं और इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा ये बात खाने के दौरान। अच्छा भाई कम से कम आप भी कोई बातचीत करें, हम तो हमारे कान तरस गए आपकी गुफ्तगु सुनने के लिए। शहजाद भाई से तो इस दावत पे आए मैं इधर हूँ, तो अब आए तो चेक करते हैं कि कैसी बनी है, किस तरह की है, चर्ची बनी की वाजिश है। इंशाल्लाह ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी बनी हुई, उस्ताद ने बहुत मेहनत की है माशाल्लाह। अच्छा जानदेव भाई, आपने थोड़ा सा खाने प्रोसेस के दौरान भी ज़रा आप वीडियो बना रहे थे, तो आपको खुशबू वीडियो अच्छी है? ये यार खूब मज़े की थी सर। अच्छा यकीन मानो मेरा तो जो भूख है ना वो आप समझ रहे डबल हो गया माशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा। जब तक चरसी कढ़ाई आए तो रहते से गुजारा करते हैं जी।
माशाल्लाह मतीन भाई कढ़ाई हाजिर है माशाल्लाह चपाती साथ है आप तो मजे होंगे इंशाल्लाह फुल माहौल है सर माशाल्लाह शुक्रिया भाई मतीन भाई प्लीज डालें ना आप नहीं आप पहले डालें आप हमारे बुजुर्ग हैं बिस्मिल्लाह करें यार वैसे बुजुर्गी वाली बात ठीक नहीं है लेकिन चलें फिर भी डाल लेता हूँ बिस्मिल्लाह जी आ गई है जी कढ़ाई अब देखते हैं कि हमारी उम्मीदों के मुताबिक है या नहीं उम्मीद तो यही है इंशाल्लाह लुक तो बहुत अच्छा लग रहा है खुशबू भी बड़ी अच्छी देखने में अच्छी है और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त है जी सर इस तरह नहीं डालते ना सर इंशाल्लाह और डालेंगे साथ हाँ सर जी इस तरह खाने पीने में नहीं शर्माते हैं जी नुमान भाई आप भी बिस्मिल्लाह करें ओ भाई आप बुजुर्ग तो नहीं है बड़ा छोटे भाई हमारे डाले आप देखने में वैसे माशाल्लाह आपके नाजरीन सोच रहे होंगे कि तीन बंदे बैठे हैं तो खान लाला साहब कहाँ गायब हो गए हैं खान लाला को भी जल्दी इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे जी जी खान लाला साहब कैमरे की जान छोड़ें और आप भी हमारे साथ आके शामिल हो जाएं आ जाएं बहुत शुक्रिया शहजाद भाई आपका कि आपने मुझे बुला लिया मेहरबानी करके यार प्लेट भी दे दी डाले जी गंदे भाई बिस्मिल्लाह माशाल्लाह मजेदार है क्या कहेंगे मतीन भाई बहुत शहजाद भाई बहुत अच्छा है पूछते हैं जानदेव भाई क्या कहते हैं इस बारे में यार जानदेव भाई जी सर माशाल्लाह बड़ा ही टेस्टी है और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है ज़बरदस्त किस्म का यार आपको तो मज़ा आ रहा है लेकिन हमें इस तरह से मज़ा नहीं आया आप जरा खान लाला की तरह हमें बताएं जल्दी करें यार मतीन भाई क्या बोले आपको यार तुम दोस्तों की फरमाइश यार जिधर जाओ बता खान लाला वाला अंदाज आपका फरमाइश में ये अंदाज भी पूरा करेंगे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है बहुत ज़बरदस्त है इसका जायका भी अच्छा है टेस्ट भी अच्छा है और वाकई इस भाई ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है माशाल्लाह और इसी तरह का जायका भी आ रहा है आप क्या कहेंगे कि जायका आ रहा है नहीं आ रहा है बहुत ज़बरदस्त तो क्या रिकमेंड करेंगे आपके दोस्तों यारों को क्या अगर इधर से आए नूरानी रेस्टोरेंट पे खाएं फिर आपसे कहेंगे नीलौर इस्लामाबाद में नूरानी रेस्टोरेंट पे ज़रूर आप आइए और अगर आप ये डिश मंगवाएंगे जो हम खा रहे हैं तो आप यकीनन तारीफ़ करेंगे और यकीनन जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तीन लोग बना रहे हैं हमें उम्मीद है कि वाकई जो टेस्ट इसका है ये बहुत डिफरेंट है जैसे हमने पहले कहा कि ये मसालों का जो फार्मूला है वो उन्होंने हमें नहीं बताया ये एक राज है और यकीनन वही राज है जिसने खाने को लजीज बनाया है तो उम्मीद है आप ज़रूर आएंगे और आपने आज की हमारी कंपनी भी इंजॉय की होगी शहजाद भी क्या कहेंगे एंड में मैं तो बहुत कुछ कह चुका हूँ मैं चाह रहा हूँ कि नुमान भाई कुछ कहें मैं इसके बारे में कहता हूँ जैसे सुना था भाई से उधर गए हमने उनसे सुना के जैसे कहे वो बहुत अच्छी बनाते हैं और जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तीन बंदे हैं जो ऐसे बनाते हैं तो हमने चेक की तो थोड़ा पता चल रहा है कैसे पता चल रहा है कि बहुत अच्छी वो बना रहे हैं और हम बाकी को भी रिकमेंड करेंगे कि वो इधर आएँ ट्राई करें अच्छा मतीन भाई एक बात हम इसमें बोलना चाहेंगे देखो खाने का भी एक अपना जायका है ना खाने के साथ साथ जो दोस्त यार होते हैं इस गैदरिंग का एक अपना अलग मज़ा है ये जो भाई बैठे हुए माशाल्लाह उसने इस खाने के जायके को चार चार और लगा दिए क्या कहते हैं शहजाद भाई बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं मज़ा आ गया तो अब मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो बनाने के बजाय हम खाने पे ज़्यादा तवज्जो दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा तो लेकिन एक बात इससे पहले ये दावत शहजाद भाई की तरफ से हुई है और जानदेव भाई उन्होंने बहुत जो है वो अच्छी मेज़बानी की हमारी इसके लिए हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और आइंदा भी उम्मीद है इस तरह की दावतें करते रहें इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं तो दोस्तों अभी खाने का टाइम है खाना खाते हैं उसके बाद चाय शाय पियेंगे उसको भी शामिल हाल करेंगे इस वीडियो में ठीक हो गया जी तब तक आप इंतज़ार करें अच्छा तो मतीन भाई काफ़ी इंतज़ार कर चुके होंगे आपके व्यूअर्स इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई हैं ख़त्म चाय हमारे सामने है क्या कहेंगे चाय के बारे में आप माशाल्लाह जी चाय बहुत ज़बरदस्त है यहाँ सुना था चाय की भी मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं हमें जो चाय दी गई है दूध पत्ती के नाम पे है ये और माशाल्लाह ज़बरदस्त है और अच्छा जायका है इसका आज का जो ये सारी निशिस्त थी खाना भी और चाय भी मुझे तो बहुत पसंद आया है और मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा दोस्त अब आपको यहाँ आ सकते हैं ज़रूर आएँ और आज के लिए आप दोनों भाइयों का शुक्रिया इंशाल्लाह
उम्मीद है कि इस तरह की अच्छी अच्छी नशस्तें फिर हमारी होती रहेंगी इंशाल्लाह ज़रूर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, आपका इधर खाना कैसा था? यार हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपका अखलाक भी बहुत अच्छा था और आपका खाना भी बहुत अच्छा था और आपका जो सेटअप है ये भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें दे। थैंक यू सो मच।